राजधानी जयपुर में महिला सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड बनाया गया जो कि 24 घंटे काम करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को विशेष बाइकर दस्ते को जयपुर पुलिस को सौंपा। होंडा कंपनी की तरफ से CSR के तहत 100 विशेष मोटरसाइकिल जयपुर पुलिस को दी गई है। आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल पर जयपुर पुलिस की 2 महिला जवान 24 घंटे गश्त करेंगी, खासतौर पर जयपुर के उन इलाकों में जहां महिलाओं की मौजूदगी रहती है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। यहां असामाजिक तत्वों के खिलाफ न केवल निगरानी रखी जाएगी बल्कि महिला की किसी भी एक शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की तरफ से 100 मोटरसाइकिल दी गई है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये CSR के अंतर्गत उन्होंने एक पहल की है और इसका एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर, और गर्ल्स के माध्यम से एक प्रकार से उनकी हौसला अफजाई भी है। ये अभी देखा भी आपने, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी, जैसा भी आपने बताया, 5 यहाँ के नौजवानों को, लड़कियों को, गर्ल्स को पायलट बनाने की ट्रेनिंग भी ये उद्यमी देंगे। होंडा की कंपनी 5 पायलट गर्ल्स को बनाने की पूरी जिम्मेदारी ले रही है, तो एक प्रकार से ये राजस्थान में स्थापित है, ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अन्य कंपनियां भी जो राजस्थान के अंदर है, और CSR का कानून बन चुका है, उसके पीछे जो छिपी हुई भावना है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उसको निभाने के लिए अन्य कंपनियों को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। और मुझे पूरा यकीन है कि पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए, चाहे शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य में हो। उम्मीद करता हूँ कि इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा मानना है। मैडम, नई बाइक से मीला गस्ती दल में काम कर रही हूँ, 2.5 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे क्राइम भी कंट्रोल हुए। थोड़ा जोर से, लेकिन कई बार स्कूटियों से हमें ऐसे लगता था कि कोई जो लड़के हैं वो लड़कियों के सामने कोई चीज़ हो रही हरकत करना या फिर उन पर कोई कमेंट करना, जब हमें बोलते थे तो हम उसका पीछा करते थे तो वो पैर बाइक से निकल जाते थे, तो अपने आप में थोड़ा सा गलानी सी होती थी कि यार हम उसको पकड़ नहीं पाए। उस चीज़ का सोल्यूशन हम बाइक से कर सकते हैं, शायद 75% ऐसे लोगों को हम पीछा करके पकड़ सकते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग मैडम दी गई इसको लेके? ट्रेनिंग तो सर हमें पहले 6 महीने की दी गई थी, जिसमें हमें शस्त्र की, घोड़ों की, सेल्फ डिफेंस की, बाइक की सारी दी गई थी। अभी हमें 50 की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें हम बाइक पे बिल्कुल। यूपी के जहांगीराबाद में विद्युत विभाग की 4 अलग अलग टीमों ने नगर में ताबड़तोड़ छापेमार कार्यवाही की, जिसमें 25 लोगों को रंगे हाथों बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया और कई बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए। विभाग की इस छापेमार कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान चला है बिजली विभाग का, कितने कनेक्शन काटे गए, कितनी वसूली हुई है? आज बिजली विभाग ने 25 बिजली चोर पकड़े हैं और 35 बकायेदारों के कनेक्शन काटे हैं और 7.5 लाख की वसूली की गई है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान अभी लगातार चलेगा और दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा, क्योंकि शहर को जो बिजली दी जा रही है और शहर से जो राजस्व मिल रहा है उसमें काफ़ी अंतर है, जिससे ये जाहिर होता है कि शहर में चोरी की तादाद बढ़ गई है। ऐसे चित्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बिजली चोरी में संलिप्त हैं उनके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाना बुलंदशहर में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार वशिष्ठ। क्या किस पद पे हो? उपखंड अधिकारी। अलवर जिला मुख्यालय स्थित महिला चिकित्सालय के प्रभारी को एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ताबड़तोड़ चप्पल मारते हुए पिटाई कर डाली। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। अचानक हुई इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, गीतानंद शिशु चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय के सभी चिकित्सक इस घटना के बाद एकत्रित हुए और चिकित्सक की चप्पल से पिटाई करने वाली महिला को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े गए। मेरे को डॉक्टर ने गलत तरीके से पकड़ा, वो
ओटी से आ रहे थे, मैं पीएमओ साहब विजिट करने गए थे, ओटी से आ रहे थे, ओटी के गेट में नीचे से सीढ़ियों में, तो मैं वहाँ वेट कर रही थी पीएमओ साहब की, तो उन्होंने मेरे को गलत तरीके से पकड़ा और अगर बहन की लोड़ी तो क्यों क्या घूम रही है और मादर चौक की बच्ची बाहर चल, उन्होंने तो मुझे ले जा रहे थे ऊपर, मैं गई नहीं, तब उन्होंने गाली बकी कि सारा स्टाफ है जो पीएमओ की विजिट में लगा हुआ था वहाँ कोई भी नहीं था, मैं बस वहाँ मैं अकेली खड़ी थी। उसके बाद मैं फिर वो तो लेबर रूम में घुस गया, मैं जो बाहर आ गई, बाहर आके मैं पीएमओ को बताऊंगी ये सारी बात, फिर जाके नहीं वो है जो वो फिर बाहर आ गया, वो भी वहाँ पे मैटर ऑफिस में एक अरोड़ा बाबू जी है, उनको बोला कि इस माधर चौक की बच्ची को बाहर पकाओ, यहाँ दिखनी नहीं चाहिए मुझे, तो पब्लिक पैलेस में ऐसे किस तरीके से ऐसे किसी को बाहर कर सकते हैं। और मेरी बुआ की लड़की, एक्चुअली मेरी बुआ की लड़की एडमिट थी, मैं उनसे मिलने गई थी, ओमवती उसका नाम था और वाइफ ऑफ दिलीप गोविंदगढ़ से, उनसे मिलने गई थी। फिर मैं तो जब इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी तो मैं पीएमओ साहब का वेट कर रही थी कि मैं उनको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, फिर जाके वो मेरे से बोले अरोड़ा बाबू जी कि आप ऐसे करिए मैडम आप बाहर जाइए, मुझे चलो चले जाती हूँ मैं, तो वहाँ तक वो गाली बकते हुए चले गए आगे तक, गाली दे रहे फिर तेरे को तो बताऊँगा, तेरे इलाज तो मैं करूँगा, नक्कस तो मैं करूँगा, वहाँ तक दूर तक चले गए, जब तक मैंने कुछ नहीं बोला उनको, जा रहे हैं चलो कोई बात नहीं टड़े किसी तरीके से। उसके बाद में उसने फिर तेरा इलाज करूँगा, नक्कस करूँगा तेरे ढंग से, आपने फिर चप्पल उठा के मारा, फिर मैंने उठा के नहीं मेरी चप्पल, फिर आपको भी वापस, फिर आपको उन्होंने मारा, मेरे को मारा है ना, मेरे चूड़े हाथ पकड़ाए उन्होंने और मुझे मारा है, घूसे मारे हैं उसने मुझे, मेरे घूसा एक तो यहाँ लगाया घूसा है जो छाती में घूसा लगाया, और मुकरा तेरे इलाज तो मैं करूँगा सही ढंग से और तू ऐसे बाज नहीं आएगी। फिर आप मुकदमा दर्ज हो गया, अब मेरा मुकदमा दर्ज है और मुझे पत्रकारों से मिलने नहीं दिया गया, दिन में पत्रकार आए थे और मुझे मिलने नहीं दिया गया पत्रकारों से भी, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी सम्मिलित है, पुलिस का भी और क्या पता नहीं क्या दबाव है क्या है क्या है। मैं घटना हुई है कर्मचारी द्वारा एक व्यक्ति द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला आया है, क्या पूरी जानकारी मिली है, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में की जा रही हैं, मौसम बीमारियां हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, डॉक्टरों की हड़ताल जारी है? ये अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो उनकी मांग थी डॉक्टर्स की कि जो दोषी है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और मुकदमे की कार्रवाई अभी FIR वगैरह दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद में प्रारंभ की जाएगी। इसमें जो प्रभारी हैं जनाना हॉस्पिटल के डॉक्टर श्याम बिहारी, उनके साथ एक महिला कर्मचारी जो पहले यहाँ पे नियुक्त रही है संविदा के ऊपर और जिसको यहाँ से निकाल दिया गया था, उसके साथ विवाद होने से इनके साथ ये घटना घटित हुई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई है, कठोर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के चिकित्सालयों में अव्यवस्था फैलाने का राजकार्य में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उन चीज़ों के संबंध में पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या व्यवस्था की जा रही है, जब तक डॉक्टरों की अभी मीटिंग चल रही है, नर्सिंग कर्मी भी नहीं है वार्ड में? अभी क्योंकि वो अरेस्ट हो चुकी है महिला और जो FIR की कार्रवाई होती है ये कोई स्ट्राइक वगैरह ऐसा कुछ नहीं। घटना हुई है उसको लेकर के डॉक्टर अभी सभी मीटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक की चेतावनी दी है, क्या इन्होंने मांगे रखी आपकी तरफ से चिकित्सालय में, क्या व्यवस्थाएं अभी वैकल्पिक की जा रही है? चिकित्सकों की मांग, सभी स्टाफ की मांग है कि जिसने हाथापाई की है उसको गिरफ्तार किया जाए तथा साथ में जो उसका ठेकेदार है, क्योंकि दोनों की मिलीभगत मानी जा रही है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तो एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की अभी तैयारी प्रशासन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो है इमरजेंसी, जब तक कि उनकी मीटिंग या जो भी है गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, क्योंकि वो उस बात पर अड़े हुए हैं, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने सभी इमरजेंसीज में जनाना में, जनरल हॉस्पिटल में और पीडियाट्रिक्स में दो दो चिकित्सक बैठाने की बात की। क्या विवाद क्या रहा था? हाँ, अभी जा रहे हैं बैठ रहे हैं। विवाद क्या हुआ सर? विवाद क्या रहा था जो कुछ पता लगता है? विवाद तो कोई पुराने सुपरवाइजर, ठेकेदार की सुपरवाइजर थी या कर्मचारी थी, तो उसको पहले हटा दिया गया था और भ्रष्टाचार का आरोप था उसके ऊपर कि जो लेन देन का काम होता है कि उसी के द्वारा होता है, तो उसके कारण उसको हटाया गया था। उसके बावजूद ये अस्पताल में आती थी, तो उन्होंने डॉक्टर जो जनाना अस्पताल के इंचार्ज हैं झारड़ा साहब को, उनके ऊपर उनसे हाथापाई की। तो फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी सोशल मीडिया की सोपू पार्टी के एक शख्स ने दी है।
सोशल मीडिया पर सलमान खान को चैलेंज देते हुए लिखा है कि सोच ले सलमान, तू भारत के कानून से तो बच सकता है लेकिन बिश्नोई समाज और सोपू पार्टी के कानून ने मौत की सजा सुना दी है। सोपू की अदालत में तू दोषी है। इस तरह की धमकी दी गई है सलमान खान को सोशल मीडिया पर। सर, एक सोशल मीडिया पर जेरी सुटर द्वारा एक फिल्म अभिनेता को सजा सुनने की बात की गई है, तो क्या वो फिल्म अभिनेता अगर पेशी में जोधपुर आता तो पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम दिए जाएंगे, एक केस की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा? ये हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि कोर्ट परिसर में कोई भी व्यक्ति आए, आमजन आए, सेलिब्रिटी आए, उसकी सुरक्षा का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, कोई स्पेशल व्यक्ति है जिसके हमारा जो असेसमेंट हम लोग थ्रेट का करते रहते हैं समय समय पे, अगर हमें लगता है कि हमारे थ्रेट असेसमेंट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरी है, जरूरत है, तो हम लोग डेफिनेटली बढ़ाते हैं टाइम टू टाइम असेस करके केस बाई केस बेसिस पे। और जहाँ तक किसी थ्रेट की बात है तो उसकी जाँच करके हम लोग प्रोएक्टिव कार्रवाई भी करते हैं। जेरी शूटर गैंग लॉरेंस से जुड़ी है, लॉरेंस पहले से जोधपुर की जेल में बंद है, उसने भी सलमान को धमकी दी और इन्होंने भी आज सोशल मीडिया पर इसी तरह की पोस्ट डाली है कि सलमान खान को हमने सजा सुना दी है, कानून बली को ही सजा दे, तो क्या पुलिस इस पर रेड करेगी, कुछ कार्रवाई करेगी? डेफिनेटली कि हम लोग अगर किसी भी तरह का जो सोशल मीडिया पे कोई इशू आता है तो उसका एनालिसिस करते हैं, जाँच करते हैं, तो एक बार पहले ये देखना होगा कि व्यक्ति है कौन, कोई अननोन सा व्यक्ति है, किसी ने ऐसे ही डाला है या कोई सीरियस चीज़ है, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। हमारे पास एक सोशल मीडिया एनालिटिक्स सेल है जो इन सब चीज़ों पे काम करती है, जैसे ही कोई इस तरह की बात फ्लैग होती है तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि प्रोएक्टिवली जांच करके जो इश्यूज होगा रिजॉल्व करने लायक वो हम लोग करेंगे, इसके अलावा जहां तक कोर्ट परिसर में या किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा व्यवस्था की बात है उसकी हम लोग कड़ी इंतजाम रखेंगे। आपने अब तक 007 पर कोई रोल नहीं है ना, तो अभी कहीं लिखा भी नहीं है, नाम भी नहीं है? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया है। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है कि इसमें 00 तथा कथित जो 007 गैंग है उसका कोई रोल है या नहीं। खबर खैरीघाट जनपद की, जहां प्रवीण निवासी भवानीपुर ने थाना खैरीघाट में तहरीर दी है कि उसके भाई दिलीप कुमार की राजकुमार आदि 5 अभियुक्त द्वारा बाजार जाते समय रास्ते में लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में स्थानीय थाना मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इस घटना में शामिल अभियुक्त विनोद कुमार दुबे निवासी भवानीपुर को रायपुर चौराहे से लाठी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबरों में बात करते हैं बुलंदशहर देहात की, जहां मुखबिर की सूचना पर देहात पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया। बाइक रुकते ही दोनों युवकों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में देहात पुलिस ने दोनों बदमाशों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक बदमाश को गोली लगी है जिससे वह घायल हो गया, वहीं उसका साथी चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश फरमान शातिर किस्म का अंतर्राज्यीय पशु चोर, वाहन चोर और लुटेरा है, जो अपने फरार साथी के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में बुलंदशहर जा रहा था। घायल बदमाश के खिलाफ बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, बदायूं व दिल्ली में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सर, अनूपशहर रोड पे एक राइस मिल में कार्रवाई की गई है, क्या कुछ निकल के अब तक सामने आया था? एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ खाद्यान्न के राशन की बदली की जा रही है और उसको प्राइवेट बोरियों में भर करके बेचे जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसी के क्रम में यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई। लगभग 600 कट्टे गेहूँ और चावल के बरामद किए गए हैं, 3 सिलाई करने वाली मशीन पकड़ी गई है और लगभग 1000 के आसपास खुली बोरियाँ, सादी बोरियाँ पाई गई हैं जिसमें सरकारी खाद्यान्न को कन्वर्ट करके बेचा जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गिरफ्तारी क्या कार्रवाई की गई है सर? इसमें जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर के गोदाम मालिक के खिलाफ और वाहन मालिक के खिलाफ FIR की कार्रवाई की जाएगी। गोदाम सील कर दिया कि नहीं? हाँ, गोदाम की सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। सर, मौके पर कोई हाथ लगा सर? मौके पर लगभग 10-12 लोग थे, लेकिन जैसे हमको और फोर्स को आते हुए देखे तत्काल बाउंड्री वॉल कूद करके वो लोग फरार हो गए। एक गाड़ी का ड्राइवर जो है पकड़ा गया है। रुद्रपुर में आज जिला पंचायत प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। जिला पंचायत रुद्रपुर में पुलिस बल की मदद से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जिला पंचायत उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की सहायता ली है।